हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करूछि आपण माने भलरे अछंती। आउ आजिरो टॉपिक अछि आपणकर जूनियर टीचर रो, एटा होछि क्लास टू। आउ टॉपिक होछि आपणकर एनईपी 2020। एनईपी 2020 बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एटा होछि करंट रो बहुत एजुकेशन रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। कारण यादव आपंकर जमती हेले भी क्वेश्चन आसीबो। आउ आपंकर जो रिसेंटली केवीएस एग्जाम होती तातिर एनईपी 2020 रो बहुत सारा क्वेश्चन पचारिथिला। जेहेतु एटा होची करंट टॉपिक, करंट रे डिस्कस होती आपंकर एनईपी नुआ करा जाई 2020 रे, तेनु ये चैप्टर निहाती भाबरे आपंकर एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तले ये गोटिए वीडियो माध्यम रे आमे कंप्लीट एनईपी को डिस्कस करबा को ट्राई करबा, जहा फलरे आपंकर किछि भी डाउट रहिबनी रिगार्डिंग दिस। आमे शॉर्ट करिकी सबु जाक जहा भी आपंकर टोटल एनईपी 2020 को आपन को डिटेल रे पढ़वार कौन से आवश्यकता ना, तापाई आम शॉर्टकट रे सब जाक इनक्लूड करिछु एही वीडियो माध्यम रे। तेणु आपन एंड पर्यंत निहाती भाव रे देखंतु। स्टार्ट करबा सेशन को। ताले ए जो आपणकर एनईपी 2020 अच्छी याद रे बहुत सारा जिनस रे चेंजेस करा जाई, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रही। नूतन एजुकेशन पॉलिसी कहूँ आमर शिक्षण को लर्नर सेंटर करा जाऊ, अर्थात जहाँ भी आम पढ़ेबा क्लास रे जहाँ पिला को सिखाऊचे कि आम स्कूल रे एनवायरनमेंट रे जहाँ सिखाऊचे सेटा लर्नर सेंट्रिक हबा दरकार, पिला अनुसार आम सिखेबा। सेकेंड जिनस होची डिस्कशन बेस्ड टीचिंग, अर्थात पिला को कौन सी जिनस को आमे ताको मेमोराइज करेबानी बदाको घोसेबानी, बरंग ताको क्लासरूम रे ताको क्रिएटिविटी लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे ताको आमे सिखेबा को ट्राई करबा। नेक्स्ट जिनस होची डेलीवरिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, केवल विद्यालय को पिलाटा सिलेबस सारिबा को आसु नाही, ताको आमे नॉर्म सिखेबा, मोरालिटी सिखेबा, समाज रे केमती समस्तंक सहित डील करंती, भलो बिहेवियर सिखेबा, सेटा होची एनईपी 2020 रो ऑब्जेक्टिव। तासह डेवलपिंग मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकर्स, अर्थात से डिसिप्लिन हम निज लाइफ को लेकिन निज सांगसाथी मानक नहीं कि क्लास रे कौन रूल रेगुलेशन अच्छी, स्कूल रे कौन कौन नियम अच्छी, समाज रे कौन कौन नियम अच्छी, से सब शिखेबा होची विद्यालय उद्देश्य अकॉर्डिंग एनईपी 2020। डेवलपिंग क्रिएटिविटी, अर्थात बहुत सारा आपणकर को करिकुलर एक्टिविटीज मध्य स्कूल रे करा जिवो, जहाँ फड़े पिला मध्य रे बहुत सारा तार जहाँ भी सृजनशील चिंतन को लगे कि से जहाँ भी क्रिएटिविटी तार देखेबार अच्छे से सब जाक सेठी से रिप्रेजेंट करि परिबो। देन होची डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग, ताले एठी आपणकर डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग उपरे फोकस करा जाइछि, पिलाटा किपरि ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करिवो। आपणकर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अनुसार पियागेट कहउछन्ती, वॉन ग्लासरफेल्ड कहउछन्ती कि पिला ब्लैंक स्लेट नुहे, से सबुबेडे ज्ञान रो निर्माण करि चलिथाय। सो एनईपी 2020 ता अकॉर्डिंग करिछि कि पिला को डिस्कवरी ओरिएंटेड करेबा, आमे शिक्षण को ताकु घोसेइबानी, बरम से क्लास रे केमति निज क्रिएटिविटी रो बहुत सारा जिंस निज अनुसार बहुत सारा जिंस को से क्रिएट करि परिबो, सेथिपय आमे ताकु रेडी करैबा। देन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स कहिले गोटे सब्जेक्ट उपरे पिलार कौन व्यू अछि, सेथि प्रति से मल्टीपल वेज रे गोटे प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करि परुचि, सेटा होची तार क्रिटिकल थिंकिंग। आउ सेटा प्रति पिलार डेवलप करैबा होची हमर उद्देश्य अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग मध्य होची यार ऑब्जेक्टिव, यार अर्थ पिलारे कौन करिबा ना मल्टीपल टाइप ऑफ से डिसीजन जहाँ ता लाइफ रे आसुची, तार क्लासरूम से जहाँ जहाँ चैलेंजेस आसुची, छोटो छोटो डिसीजन हो किंतु से डिसीजन नबा सिखो, स्टार्टिंग रु से जदि वेल डिसीजन नहीं पारिला ताले भविष्य रे से जने भलो सिटीजन हेकि डेवलप हबो बोली कुहा जाउची। सो ये सब रही आपणकर ऑब्जेक्टिव जोटा होची एनईपी 2020 रे कुहा जाइची। केवल एतिक नुहे, बहुत सारा जिनस, बहुत सारा चेंजेस आसी आपणकर एजुकेशन सिस्टम रे, जोटा बहुत बढ़िया चेंजेस आपने निहाती आज आ टीचर से जानवर आवश्यकता अच्छी। आउ एग्जाम डेफिनेटली क्वेश्चन पचार ही पचार। सो आम सहित या पढ़ी चलतु आउ रिकैप कर चलतु, जब ये क्लास आपणकर सरी जा सरवा मात्र आपड़ ये वीडियो को बंद करके निजे रिकैप करूँ, आम एक्चुअली ये पूरा संपूर्ण वीडियो शिखिले कौन ठीक है। आउ प्रतिदिन या रिकैप कर चलिए एग्जाम पर्यंत आपड़ बढ़िया से रेडी हो सारी ठीक है। आउ या पूर्व आम आर टी राइट टू एजुकेशन 2009 क्लास करूँ कम्प्लीट 2009 करा जाए, आपण मैंने जो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप विजिट कर देखिपर। देखूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हूँ आपणकर यादेरे चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, यादेर बहुत थर क्वेश्चन आसी एग्जामिनेशन रे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसी तार हेड तार चेयरमैन किए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन।
आउ तांकर गोटे कमिटी रिपोर्ट आसथिला जोटा को से देथिले 31 मे 2019 रे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी की चेयरमैन थिले एनईपी रो से देथिले तांकर कमिटी रिपोर्ट आउ फाइनली एनईपी स्टार्ट हेछि आपनकर 29 जुलाई 2020। ये डेटटा को डबल स्टार मार्क करके आपण मन रखंतु कि ए जो रहिला 29 जुलाई 2020 यही डेट रे ही यूनियन कैबिनेट द्वारा एनईपी को स्टार्ट करा जाइछि भारत वर्ष रे 29 जुलाई 2020। आउ मेन जिनस हैला आपनकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई साधे सबुठ बड़ रिफॉर्म आसी आपणकर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पुराणा स्ट्रक्चर थी आपणकर 10th+2 अर्थात स्कूल रे विद्यालय रे पिला दशम पर्यंत पढ़ुला तापर कॉलेज रे से प्लस टू पढ़ुला ठीक है किंतु ए जो आसी आपणकर नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 ता अकॉर्डिंग तार एजुकेशन जो फॉर्म अच्छी ताकु चेंज करा जाए स्ट्रक्चर को बदला जाए 5+3+3+4 कर दिया जाए ची एटा बहुत इम्पोर्टेंट बढ़िया भाव में मने रखा ताहले एटा को हमें डिटेल रे बुझीबा नेक्स्ट स्लाइड रे वर्तमान देखंतु एथिरे किछि नुवा टर्म्स आछंती आ ये टर्म्स रो बहुत थरा क्वेश्चन पचारे फर्स्ट टर्म हैला एफएलएन कथा कह जाय छी एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन कथा इंट्रोड्यूस करा जाय छी एनईपी 2020 रे तासो ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या विषय कह एनईपी 2020 रे देन निपुण भारत कथा कह सह पिलार 360 डिग्री डेवलपमेंट केमती हम ठीक है ये सब विषय आम स्पेशली प्रति स्लाइड रे डिस्कस कर चलिबा एवं ओवरली आपण शिखंतु कौ कौ विषय कह एफएलएन निपुण भारत ईसीसीई 360 डिग्री डेवलपमेंट आउरी बहुत सारा जिनस अच्छी देखु ये जो रहिला एफएलएन यार फुल फॉर्म हैला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एटा जड़ित अच्छी निपुण भारत सहित अर्थात तृतीय श्रेणी पर्यंत थर्ड स्टैंडर्ड जो पर्यंत पिला को थर्ड स्टैंडर्ड हो सारी अर्थात आम टार्गेट रखा तृतीय श्रेणी पूर्व आम पिला भितर कौन करिबा ना फाउंडेशनल लिटरेसी डेवलप करिबा लिटरेसी अर्थात होची पढ़ा लेखा जानिथिबा दरकार पिलाटी भल भाव लेखि पारुथिबो वेल आउ ताकु पढ़ी पारुथिबो विथ अंडरस्टैंडिंग एटी कह जाउची आपनकर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग ओके अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत ओके रीडिंग सह से भल से बुझी पारुथिबो ता सह नंबर सहित तार डीलिंग बहुत भल थिबो अप टू 1000 से नंबर कुछ सीखी थिबो नंबर रो बेसिक फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन से करी परुथबो एटा होची बेसिक आपनकर एम निपुण आनिबार आउ एफएलएन आनिबार एनईपी 2020 रे एफएलएन कहूची कि तृतीय श्रेणी पर्यंत पिला भितर आमे डेवलप करै देबा रीडिंग स्किल ता सहित राइटिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी आउ ईसीसीई होची अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जहाँ फल पिला को बाल वाटिका लेवल रे स्टार्टिंग लेवल रे ताकु अर्ली केयर करा जिवो पिला को नरिश करा जिवो ताकु खाद्य दिया जिवो ठीक है ता सहित ताकु जो समाज रे मोरल वैल्यूज अछि जेमती छोटो पिला को सिखा जे हाउ टू ग्रीट अदर्स केमती अन्य मन को गुड मॉर्निंग कहिबे गुड इवनिंग कहिबे ता सहित फर्स्ट टाइम काको मीट करछंती तांको सहित डीलिंग कोन अछि पिला को नॉर्मल वैल्यू समाज रे कोन कोन अछि काहेकि ना सेइटा ही होचे तरो स्टार्टिंग स्टेज जहाँ समय रे से बहुत गुडे भाषा सीखे बहुत सारा जिनस स्टार्टिंग लेवल रे ही से सीखी थाए दैट्स व्हाई ईसीसी बहुत इंपोर्टेंट रही जिवो तेणु एनईपी 2020 खास करके जोर दिए ईसीसीई उपरे अर्ली लेवल रे आमे पिला को केमती नरिश करिबा जहाँ फल तार फिजिकल कॉग्निटिव ता सह सोशल डेवलपमेंट हो पार ता कथा कह जाइछि एनईपी 2023 आउ जो रहिला आपणकर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जोटा रही आपणकर 5+3+3+4 ताकु आमे एबे डिटेल रे डिस्कस करिबा 5 इयर अछि फाउंडेशनल स्टेज आपणकर दि भागरे विभक्त अछि गोटे होची आपणकर बालबाटिका जहाँ को आपण माने अंगनवाड़ी बा प्ले स्कूल कहउछन्ती आउ गोटे अच्छा आपणकर क्लास 1 और 2 ए दुटा ग्रुप रे विभक्त करा जायछि 5 इयर रो फाउंडेशनल स्टेज को ए जो बालबाटिका अछि एटा होची आपणकर 3 वर्ष रु 6 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत आपणकर रहिबो बालबाटिका बा अंगनवाड़ी बा प्ले स्कूल अर्थात 3 वर्ष रे पिला को स्कूल रे
अणाजीव स्कूल को तीन वर्ष रु अणाजीव एटा होची सरकारक नियम काहेकि ना प्राइवेट स्कूल मानक आम किंडर गार्डन रे पिलांकु छाड़ दौचे तीन वर्ष तांकर डेवलपमेंट हो पारे कि आम अंगनवाड़ी स्कूल से कि आम गवर्नमेंट स्कूल रे काहेकि से सब हो पारना सरकार चाहूँगी से सब परिवर्तन अणाजीव जहाँफल कि पिला को क्वालिटी एजुकेशन दिजिव फ्रम इनिशियल लेवल तीन वर्ष रु पिला अंगनवाड़ी आसबे बा बालवाटिका आसबे छ वर्ष पर्यंत एटा होची फर्स्ट स्टेज देन रहिला क्लास वन आउ टू को भी इनक्लूड करा जाए से ही फाउंडेशनल स्टेज रे अर्थात तीन वर्ष रु आठ वर्ष टोटल रहीगला तार फाउंडेशनल स्टेज अर्थात नो फॉर्मल एग्जामिनेशन हियर आपणकर जो पिलार तीन रु आठ वर्ष रहिलानी कि ए जो पांच वर्षटा एटा होची पिलार फाउंडेशनल स्टेज ये स्टेज रे मतलब जहाँ भी पिला आसुची स्कूल को बिना बर्डन रे आसीबो बिल्कुल मजा मस्ती करिबो प्ले करिबो खेलिबो सांगसाथी मानक सहित सिखिबो आउ इनफॉर्मली ताकु बहुत सारा नॉर्म सिखा जिबो कोनोसी प्रेशर नाई कोनोसी एग्जामिनेशन नाई बिल्कुल से एन्जॉयमेंट पाई ओनली आसुची बोली से भाबिबा दरकार आ बिल्कुल ताकु घर परिवेश परिका आमे ताकु एनवायरनमेंट दबा बिल्कुल ताकु मदर टंग सहित रिलेट करिबा जहाँ फल से इजिली सेठी सिखि परिबो आई होप आपणकर फास्ट पांच वर्ष क्लीयर हो फाउंडेशनल स्टेज नेक्स्ट हूँ आपणकर तीन वर्ष प्रिपारेटोरी स्टेज प्रिपारेटोरी स्टेज हूँ क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एटा हूँ आपणकर तीन वर्ष आपणकर आठ वर्ष रे पिला प्रिपारेटोरी स्टेज रे एंट्री करे आउ एगार वर्ष पर्यंत तार प्रिपारेटोरी स्टेज चले अर्थात ए जो टाइम अच्छी अप टू फिफ्थ आपणको मदर टंग रे शिक्षा देबार अछि एटा कहूँ आपणकर एनईपी 2020 आपण मदर टंग रे शिक्षा देबे जहाँफल ताकू लर्निंग सहित एनवायरनमेंट को रिलेट करिबा ता घर परिवेश सहित अटैचमेंट तार रहिबो आउ से सब जिनस को जोड़ी की शिखि पारिबो ठीक है मन रखु मदर टंग रे व्यवहार करा अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड आउ एटा होची प्रिपारेटोरी स्टेज एथिरे आपणकर एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए किंतु ए जो फाउंडेशन स्टेज अच्छी एथिरे नो एग्जामिनेशन बिल्कुल पिला पाई कोनोसी एग्जामिनेशन रो बटन रहिबो नाही आउ यादरे भी जो एग्जामिनेशन हबो यार अर्थ नुहे कि पिला को समस्तक आगे ता रिजल्ट प्रकाश करिकि ताकु इनसल्ट कराइबा पिला मानको मधे सेग्रीगेट करिबा लेबलिंग करिबा ये सब बिल्कुल ही एग्जामिनेशन रो मोटो नुहे आमे बिल्कुल इभालुएसन करेबा एथिपाई कि आमर लर्निंग केते दूर माने केते दूर पर्यंत सफल होईची सेइटा जानिबा पई ओके खास करके एठी फॉर्मेटिव असेसमेंट उपर अधिक फोकस करा जाए कारण फॉर्मेटिव असेसमेंट होची लर्निंग आपणकर असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात आमे शिखिबा पई ही मूल्यांकन करूचे देन आसी जीव आपणकर मिडिल स्टेज होची 6th 7th 8th यादरे मध्ये बहुत सारा जिनस कहुची मिडिल स्टेज रे पिला को इंट्रोड्यूस करा जिवो कोडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जिवो फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड कोडिंग शिक्षा जिवो कंप्यूटर आईसीटी रा यूज करिया शिक्षा जिवो जहाँ फल पिलाटी जदि भी सरकारी चाकरी इन फ्यूचर करि पारुनी ताहले ता पाखरे बहुत सारा ऑप्शन थिबो ता जीवन रे किछि गुटे करबा पई ओके नेक्स्ट मूव करबा फोर्थ ईयर जोटा होची सेकेंडरी स्टेज हूँ आपणकर 14 वर्ष रु 18 वर्ष पर्यंत पिलांक पई क्लास 9th 10th 11th and 12th ए 4 वर्ष हूँ पिला को बिल्कुल फ्रीडम दि जाइए सब्जेक्ट चॉइस करिबा पई अर्थात एठी नो स्ट्रीम कोनोसी स्ट्रीम रहिबो नाही अर्थात जदि पिला गोटे साइंस पढ़ा चाहूँगी ता सहित से इंटरेस्टेड अच्छी हिस्ट्री पढ़ापाई ताहले से मध्य मैथमेटिक्स सहित हिस्ट्री पढ़ी पार ज्योग्राफी सहित बायोलॉजी पढ़ी पार ता इच्छा अनुसार ताको अनुमति दि जाएगी सब्जेक्ट चॉइस करने ठीक है तेल ये जो 4 स्टेज अच्छी आई होप आपण बुझिथे 5+3+3+4 फाउंडेशनल स्टेज अप टू क्लास 2 पर्यंत अच्छी बालबाटिका क्लास 1 क्लास 2 एटा होची फाउंडेशनल स्टेज ये 3 वर्ष हैला आपणकर क्लास 3 4 5th ये 3 वर्ष होची 6 7 8 आउ ये 4 वर्ष हैला 9 10 11 and 12 आई होप आपणकर ये स्ट्रक्चरटा बुझि हेतिबो परवर्ती देखिबा ए स्ट्रक्चर को ही एठी एक्सप्लेन करा जाइछि देखंतु प्रथम जो फाउंडेशनल स्टेज अच्छी देखंतु एटा होची बालबाटिका 3 वर्ष आउ क्लास 1 टू 2 वर्ष टोटल हे गेला आपनकर 5 वर्ष देन आपण जिबे प्रिपेरेटोरी को एथि 3 वर्ष आपनकु मिलिबो
प्रिपेरेटोरी रे आपणकर 3, 4, 5 देन मिडिल स्टेज आसीबा आपणकर 6, 7, 8 देन आसीबा आपणकर सेकेंडरी स्टेज जहाँ फळ रे आपण माने नो स्ट्रीम रहिबा आपण इच्छा अनुसार जे कोनोसी सब्जेक्ट रखि परिबे। ओके नेक्स्ट देखंतु ये होची बहुत इम्पोर्टेंट जिनस जहाँ एनईपी 2020 रे मेंशन करा जायछि करा जीव बोली आ परीक्षार ए पाखरु ही क्वेश्चन आसे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट जिनस हला परख परख कौन FLN कौन ECC कौन ये सबुर ही आपणकर क्वेश्चन आसे NEP 2020 अनुजाई। तले परख होची परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एटा होची परख रा फुल फॉर्म निहाती भाव रे परख रा फुल फॉर्म मने रखंतु आउ एमटी आपणको पचारि पारे परख रे जो आर अछि तार अर्थ कौन तार अर्थ होची रिव्यू क्वेश्चन आसीबो परख रे जो पी अछि तार अर्थ कौन सेटा होची परफॉर्मेंस एच होची तार अर्थ कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट से सब जाक आपणकर ऑप्शन वाइज थिबो कंफ्यूजिंग भी थिबो तेणु आपणको निहाती भाव रे तार फुल फॉर्म मने रखिबार अछि। परख कहिले परफॉर्मेंस केवल स्कूल रे नुहे क्लास रे नुहे जीवन रे से पिला केमती भल परफॉर्म करी परिबो करिकुलम सहित को करिकुलर एक्टिविटी रे से केमती बेस्ट हेई परिबो सेटा होची परख रा पी परफॉर्मेंस। तापर हला असेसमेंट असेसमेंट कहिले पिलारे आमे इवैल्यूएशन करैबा तार मूल्यांकन करैबा तार कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर सब स्टेज रे करिकुलर एक्टिविटी रे से केमिति अछि जहां आमे सिखैबा को चाहुथिले से केते दूर सिखि परिछि सेटा होछि असेसमेंट करबा। रिव्यू रिव्यू कहिले जहां आमे ताको सिखौछे से सिखि पारुछि ना नाही ताको बार बार रिव्यू करैबा आमर लर्निंग केते दूर सफल हे पारुछि ता सह एनालिसिस करैबा तार कैरेक्टर को तार सिखिबा शैली को देन तार नॉलेज को से कौन सीखी ताको एनालिसिस करबा देन अछि से सब जाक करबा काहे कि करबा ना होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई कारण आपणकर एनईपी 2020 रो सबुठारु मेन जिनस मेन पॉइंट होची गोटे वर्ड से होची होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट यार अर्थ होची केवल करिकुलम नुहे को करिकुलर एक्टिविटी CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करी आपण पिलारे सबु जाक डेवलपमेंट कराइए फिजिकल सोशल कॉग्निटिव मोरल ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट कराइबा सेटा होची एनईपी रो गोटे शब्द परक आपणकु रिप्रेजेंट करै दो। नेक्स्ट आ गोटे जिनस कहा जाइछि मदर टंग मातृभाषा रे शिक्षा दिए जिवो अप टू 5th स्टैंडर्ड पंचम क्लास पर्यंत बिल्कुल आपण माने मातृभाषा रे शिक्षा देबे। नेक्स्ट होची वोकेशनल ट्रेनिंग एटा कहा जाइछि 6th स्टैंडर्ड थारु पिला को कोडिंग शिक्षा जिवो ताकु वोकेशनल ट्रेनिंग मध्य दिया जिवो देन कहा जाइछि 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट अर्थात पिला को जो आमे प्रोग्रेस कार्ड दौचे से केवल तार सिलेबस रिलेटेड रिजल्ट नथिबो से आर्ट रे ता सहित फिजिकल एजुकेशन रे से सब जिनस रे केते भलो को करिकुलर एक्टिविटी रे सिंगिंग रे डांसिंग रे से सब थिरे केते भलो से सब जाक मेंशन करा जिवो। ए जो आपणकर 360 डिग्री अछि ता देर तीनटा जिनस अछि डोमेन से होची कॉग्निटिव अफेक्टिव आ गोटे हला साइकोमोटर कॉग्निटिव रे तार संज्ञान रिलेटेड मेंटल एबिलिटी को तार डेवलप करैबा अफेक्टिव होची ताको भलो मनीष करैबा ता भीतर इमोशनल डेवलपमेंट बढ़िया से करैबा भावात्मक विकास तार भलो से हबो आ साइकोमोटर कहिले तार जोटा रहिछि तार साइकोमोटर स्किल को डेवलप करैबा लाइफ रे बैलेंस हे परिबो से केमती सेटा होची ये तीनटा डोमेन ऑफ एजुकेशन सेटा होची 360 डिग्री पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट होची इनक्लूसिव एजुकेशन जेहेतु पिला को आमे रेगुलर स्कूल रे पढ़ाऊे रेगुलर सिलेबस सहित रेगुलर करिकुलम सहित तेणु आपन को एटी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट देखा मिले बहुत सारा पिला थिबे डिफरेंटली एबल गिफ्टेड चाइल्ड थिबे बहुत सारा पिला मेंटली रिटार्डेड थिबे एमती पिला थिबे जहाँ को स्वल्प दृष्टि हेथिबो किंबा ताको श्रवण जनित प्रॉब्लम हेथिबो किंबा मेंटली ताको बौद्धिक शक्ति तार कम थिबो एमती बहुत सारा पिला मिलिबे तांकु गोटे सिलेबस रे गोटे क्लास रे केमती आमे मल्टीपल मेथड रा व्यवहार करी तांकु वेल क्वालिटी एजुकेशन दे परिबा सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन पिलांकु बिल्कुल सेग्रीगेट करिबार नाही पिलांकु अलग अलग करिबार नाही तांकु एकत्रित
करि गोटे एनवायरमेंट रे केमती शिक्षा देवा सेटा कुहे इनक्लूसिव एजुकेशन या विषय रे मध्य फोकस करा जाय छी एनईपी 2020 रे। नेक्स्ट होची टीचर्स ट्रेनिंग। भलो शिक्षक हबा पई तार ट्रेनिंग निहाती आवश्यक तेणु टीचर रो ट्रेनिंग उपरे बहुत फोकस करा जाउ छी एनईपी 2020 अकॉर्डिंग मिनिमम 2030 पर्यंत मिनिमम क्वालिफिकेशन रहिबो 4 इयर इंटीग्रेटेड बीएड रो सेटा कहा जाय छी आपनकर नुआ एनईपी 2020 रे। नेक्स्ट होची एथिरे गोटे जिंस हेची आपनकर जो पुरणा एमएचआरडी थिला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तार ना बदली की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हे जाय छी एनईपी 2020 रे। एटा मध्ये आपण मन रखिबे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर आपणकर सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर बा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अछि धर्मेंद्र प्रधान को पाखरे मन रखिबे धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट रिफॉर्म एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट कारण आपणकर एग्जामिनेशन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल करा जिवो। फ्लेक्सिबल मीन पिला रे एग्जामिनेशन टेंशन नथिबा दरकार पिला बोझमुक्त शिक्षा नबो अर्थात जो एग्जाम को नहीं कि तांकर भय सेटा तांको मनरु पढ़ा जिवो। यार अर्थ कौन स्टार्टिंग लेवल रे जब भी आपण निजर सिलेबस स्टार्ट करुछंती प्रति टॉपिक को आपण एते भलसे ताकु क्लियर करंतु तापरे रेगुलरली ताकु आमे टेस्ट नबा जोटा कि आपणकर सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपणकर फॉर्मेटिव असेसमेंट मध्य होउची से रिलेटेड तार जहाँ भी असुविधा रहुची जदि आउट ऑफ 20 से 12 स्कोर करुची 8 पर्सन तार को पटे मिस्टेक रहिला सेटा को आमे देखिबा सेटा होची आमर असेसमेंटर मुख्य उद्देश्य सेटा को देखिकी तार पुणी ताकु आउ थरे रिमेडियल टीचिंग दबा आउ से शिक्षण तार जो रहुची डिफिकल्टी ताकु दूर करिकी पुणी ताकु ठीक करिबा पुणी आउ थरे एग्जामिनेशन नबा सेटा करले आफ्टर एंडिंग जे पर्यंत तार समेटिव असेसमेंट हबो हाफ इयरली या फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन हबो से पर्यंत तार ऑल डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो सारी थिबो सो ताकु एते बोझ लागिबनी तेणु आम फॉर्मेटिव असेसमेंट कराइबा रिमेडियल टीचिंग दबा एटा कले तार एग्जामिनेशन को नहीं भय दूर हो। असेसमेंट कथा कहुई आपणकर कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कथा कहुई कि आपण जिते बड़े पिलाटा को पढ़ाऊँ टॉपिक स्टार्टिंग रे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करूँ देन तार फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करूँ पर टॉपिक पढ़े सारापर देन आपण डायग्नोस्टिक टेस्ट दे के रिमेडी दौंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तार हो देन शेष आपणकर समेटिव इवैल्यूएशन होफल से तार हाफ इयरली आउ पूरा वर्षर से कौन शिखला से आम जापरचे ना नहीं यह फ्लेक्सीबल कर एफएलएन कथा आम डिस्कस कर सारी क्लास थर्ड सुधा आम तार पूरा इनिशियल लेवल रे नंबर सहित डील करेबा सिखेबा नॉर्मल बेसिक फंक्शन सिखेबा एडिशन सब्सट्रैक्शन रो देन जहाँ से पढ़ुची ताकु पढ़िबो विथ से बुझी बुझी का पढ़िबो सेतिकी आमे ता भितरे डेवलप करेबा होची मकसद एफएलएन रो ता सहित निपुण भारत रो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कुहा हला इनिशियल लेवल रे पिला को केयर करिबा ताकु नॉर्म सिखेबा ता भितरे मोरालिटी सिखेबा सेटा होची ईसीसी रो लक्ष्य देन एटा रहिला केवल ईसीसी रे आपणकर अंगनवाड़ी पिला नुहे गर्भवती महिला मानक केयर निया जाउची जत्ते बडे पिलाटा मदर उम्र रे रहुची से समय रे केमती तार डेवलपमेंट करा जिवो से गोटे फिजिकली स्वास्थ्य माने हेल्दी पिला भाबरे से जन्म नबो तापरे ताकु केयर निया जिवो बहुत भारत सरकार बहुत चिंतित या विषय रे आउ स्टार्टिंग रे मदर उम्र पिलार केयर निया जाउची आपण माने देखिथिबो अंगनवाड़ी मानक रे गर्भवती महिला को छतुआ आउ सब व्यवस्था मध्ये करा जाउची ईसीसी अकॉर्डिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहगला सीसीई सेल्फ पियर असेसमेंट कह कि जहाँ भी आम शिखे पिला निजे निजर मूल्यांकन करा हूँ सेल्फ असेसमेंट पियर असेसमेंट कहले तार जो सांगसाथी मैंने अच्छा द्वारा तार इवैल्यूएशन कराइबा जहाँफल कोलाबोरेटिव लर्निंग हम समस्ते एजुकेशन रे सहायता रम्मिलित भाव में शिखे ताकथा कह देन फाइनली आउ गोटे जिनस कहुई सेटा हूँ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट अर्थात पिलार मानसिक विकास तार भावात्मक विकास ता सहित मनोक्रियात्मक विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट कराइबा कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग दबा एथिपाई आपणकर सीबीटी टेस्ट मध्य हुए ठीक है जहाँ हूँ कंपिटेंसी बेस्ड टेस्ट एटा मध्य करा जाए जहाँ फल पिला योग्यता आधारित शिक्षण हम अर्थात लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे
आमे बहुत सारा पोर्टफोलियो कराइबा, बहुत सारा एक्टिविटी कराइबा, बहुत सारा प्रोजेक्ट दबा पिला को, जहाँ फल से एक्टिविटी थ्रू रे एक्सपेरिमेंट थ्रू रे निजे बहुत सारा जिनस करिकी सिखिबो। तले जोटा से करिकी सिखिबो सेटा दीर्घ दिन पर्यंत ताको मने रहिबो। एटा ही आमर फोकस अछि एनईपी 2020 रो। आई होप एटा आपणकर क्लियर हेथिबो। ता सह आपणकर जो प्लस थ्री कथा कह जाइछि एतरे मु लेखिनि मु कहि दउछि। देखंतु जो प्लस थ्री अछि तादरे मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट सिस्टम अछि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। जेहेतु आम सिलेबस केवल प्राइमरी पई अछि सेति पई कहि दउछि। तथापि देखंतु प्लस टू प्लस थ्री रे जदि आपण प्रथम वर्ष जाइ पढ़ुचंती आउ किछि कारणरु आपणकु प्लस थ्री छाडिबाकु पड़े ताहाले प्रथम वर्ष रे आपणकु सर्टिफिकेट मिलिबो 1 ईयर सर्टिफिकेट। सेकेंड वर्ष रे आपणकु डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलिबो जदि आपण सेकेंड वर्ष करि छाडि दियत आपणकर इयर बर्बाद हबनी बिल्कुल भी जहार सफर होउछंती पिला माने बहुत सारा। आउ 3 वर्ष करि जदि प्लस थ्री के छाडिछि ताहाले ताकु डिग्री सर्टिफिकेट मिलिबो। आउ 4 वर्ष कले ताकु रिसर्च रा सर्टिफिकेट मिलिबो। ताहाले निहाती भाबरे एटा होछि बहुत बढ़िया स्कीम जहाँ फल पिलांकर भविष्यत कथा विचार करा जाइछि। आउ आई होप आपणकर एनईपी 2020 रिलेटेड किछि भी डाउट नथिबो। ए गोटे वीडियो रे आमे संपूर्ण टोटली एनईपी 2020 रे जहाँ किछि कहा जाइछि से सब आमे डिस्कस करिछि। आउ एनईपी 2020 आपणकर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल नुहे। या पूर्वरु आपणकर एनईपी 68 आसीछि, 86 आसीछि राजीव गांधीक समय रे, से सब जाक आमे डिस्कस करिबा। एटा इम्पोर्टेंट थिला करेंट चैप्टरटा, तेणु एटा कहा जाइछि। तेणु चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन प्रेस कर दिंतु, फल जहाँ भी आम वीडियो अपलोड करूँ से निहाती आपण को सेटा नोटिफिकेशन आसीबो। धन्यवाद।